समिलियन कर नियमितीकरण सहित पांच सूत्री मांगों को लेकर मनरेगा ग्राम रोजगार सहायक एवं सहायक सचिव महासंघ मध्य प्रदेश के द्वारा पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला तथा जिला पंचायत अध्यक्ष को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एक ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। बता दें कि प्रदेश संगठन के 23,000 ग्राम रोजगार सहायक के आह्वान पर दिनांक 13 मार्च 2023 से 18 मार्च 2023 तक सामूहिक अवकाश पर थे, लेकिन इनकी मांगे न पूर्ण होने के चलते ये लगातार अभी भी हड़ताल पर है। ग्राम रोजगार सहायक सहायक सचिव की मांगे न जाने पर 19 3 2023 से 31 3 2023 तक कलमबंद हड़ताल जारी रही। ग्राम रोजगार सहायक सचिव महासंघ द्वारा शासन प्रशासन से काफी समय से मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई है। सर्किट हाउस में पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला तथा जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल को पांच सूत्री मांगों का एक ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। इस दौरान पूर्व मंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इसे पूरा कराने की कोशिश की जाएगी। निवास में नाराबाजी लगाते हुए आए हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हम लोग 13 तारीख से लेकर 31 तारीख तक अभी तक डेट में आंदोलन हम लोगों का चल रहा है। मुख्य रूप से जो मांगे हैं नियमितीकरण कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अन्य कर्मचारी जैसे पंचायत कर्मी हैं, शिक्षा कर्मी हैं, जिस नीति के तहत बना के उनको नियमित किए हैं, उसी तरह ग्राम पंचायत के हम लोग एक सहायक सचिव दर्जा प्राप्त कर्मचारी हैं, हम लोगों को नियमित किया जाए। इस उद्देश्य से लेकर माननीय पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल जी को हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। और हम लोग ये आग्रह करने आए हैं कि हम लोगों को कि जो मांगे हैं उस मांग के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से मध्यस्थता किया जाए और हम लोगों के मांगों के लिए एक महापंचायत का डेट दिलवाई जाए। यदि ऐसा होता है तो हम लोग मध्य प्रदेश में कितने रोजगार सहायक हैं? हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में 23,000 ग्राम पंचायत में 23,000 ग्राम रोजगार सहायक कार्य कर रहे हैं, जो कि जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। तो एक साथ पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन चल रहा है, इसमें एक साथ कितने दिन हो गए आंदोलन को? ये 13 तारीख से लेकर 31 तारीख तक अनवरत चल रहा था। अभी एक निश्चित डेट में यदि हम लोगों की मांगे शासन द्वारा इतने समय में नहीं मांगी जा रही है तो कल से क्या क्या कार्य प्रभावित हो रहे हैं सरकार के? सारी योजनाएं 23 विभाग के 52 जो योजनाएं होती हैं वो ग्राम रोजगार सहायक सचिव ग्राम पंचायत में करता है, और जब से वो हड़ताल में चला गया है तो पूरे कार्य बाधित हैं। जनता इधर उधर ग्राम पंचायत में भटक रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि डाउन हो रही है, क्योंकि इस समय जो महत्वपूर्ण माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है लाडली बहना योजना, वो बिल्कुल हाफ हो चुकी है। विभाग मिलकर काम कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। क्या नाम है और क्या पद है आपका? देवेश तिवारी, जिला अध्यक्ष ग्राम रोजगार सहायक संघ रीवा। रोजगार सहायकों की अपनी चार सूत्री मांगे हैं, जिसमें स्थानांतरण से लेकर और अन्य मुद्दे भी हैं, वेतन मान भी है। मैंने उनसे कहा कि आप सब लोग काम पर लौटें, जैसे कि उनके पक्ष में वहाँ बातें करने के लिए थोड़ा सा अच्छा वातावरण बने।